केशी महाकाल आदि हम जा रहे हैं हरियाणा रोहतक, जो मुख्यमंत्री की राज्य सरकार की डेयरी प्लस योजना को देने के लिए। मैं पिछले कुछ दिन पहले गया था और मैं उसकी वीडियो डाल नहीं पाया, उसकी मैं वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हमें भोपाल रेलवे स्टेशन पे जाके हमारा टिकट खो चुके हैं, थर्ड एसी का हमारा टिकट है और हम जा रहे हैं रेलवे रोहतक हरियाणा। तो बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी डिटेल बताऊँगा और कैसी भैंस किस प्रकार दिखा रहे हैं। जय श्री महाराज। कौन कौन है प्रधान? रोक दी गई, चल रही है। चंदन भाई झागरिया से, सीताराम ठाकुर चेतन सिंह बापचा से, ओम प्रकाश पंडित से, जनदीना महेंद्र सिंह रामाखेड़ी से। तो पूरी डिटेल, हम 13 लोग जा रहे हैं, पूरी डिटेल बताएंगे किस प्रकार भेज दे रहे हैं, मिल्की करवा के दे रहे हैं, जावन दे रहे हैं, प्रेगनेंट दे रहे हैं, बाप दे रहे हैं, पूरी डिटेल आपको वीडियो मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, वीडियो में बने रहना, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो हमें थर्ड एसी ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ, डिब्बे में हम बैठे हैं, ये हमारी सीटें हैं फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ये मिंटू भैया भी हैं अपने लसूरिया से, कुछ लोग उधर बैठे, हमारा 13 लोगों का टोल है। और कहीं रहे हमें, एसी में एसी चल रही है? हाँ, एसी में एसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और चंदन भाई स्टोर रूम में टॉयलेट चले गए थे, थोड़ी सी खेद इस बात का है कि ट्रेन में हम कभी बैठते हैं, तो उनने टॉयलेट समझ के स्टोर रूम में चले गए थे। तो बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी डिटेल में देता रहूँगा कि किस प्रकार से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और ट्रेन का टाइम 4:20 का है, और ट्रेन लगभग कितनी बज रही है? 6:57 पर यहाँ पर ट्रेन निकली है। तो आप कब पहुँचती है, कहाँ कहाँ से पहुँचती है, फिर डिटेल में आपको देता रहूँगा। हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, वो तो ये हमारा ओम प्रकाश भैया हैं, ये घर से लड़ बढ़ के आ गए हैं, ये राजेश भाई हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे, इनका बच गया था वीडियो लेना। तो कहाँ जा रहे हो ओम प्रकाश भैया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? रोहतक। काई के लिए? भैंस खरीदने। गौतम, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों को भैंस नहीं मिली, रोहतक जा रहे हो तुम? ठीक है, तो हम बने रहिए वीडियो में, मैं रोहतक पहुँच के आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। हम जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जो हमारी 13 लोगों की टोली है, उसमें एक जगह से और मिल गए हमको, वो भी रोहतक ही जा रहे हैं डेयरी प्लस में डेयरी भैंस लेने के लिए। तो कहाँ से हो आप? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आष्टा क्षेत्र है आपका? आष्टा क्षेत्र से कितने लोग हो आप? 4 लोग हैं। 4 लोग, मतलब टोटल 4 का ही ग्रुप है आपका? हाँ, तो 4 लोगों का ग्रुप फिर से मिला है, वो भी डेयरी प्लस में भैंस लेने के लिए जा रहा है। तो इनके साथ भी वीडियो बनेगी, वीडियो पे बने रहिए। लोग ट्रेन में इस योजना के तहत वहाँ जाएंगे, तो उनको सबको पता है कि खाना खर्चा जाना आना सब सरकार का रहता है, पर ट्रेन में जब आप सफ़र करोगे रात में, तो आपको घर से खाना लेके जाना है। तो कुछ लोग तो इसमें से पूरी लाए हैं, कुछ लोग लेके नहीं आए, जैसे मैं नहीं लेके आया हूँ। तो मैं इनकी चुरा चुरा के खा रहा हूँ भैया, बैठने की जगह भी नहीं है। तो सभी लोगों को वहाँ जब जाओगे, तो आपको नाइट का खाना आपको लेके जाना है, ट्रेन आपकी 6 बजे रहेगी, तो आपको रात में खाना खाना पड़ेगा, यहाँ ट्रेन में आपको खाना नहीं खिलेगा। तो पूरी, अचार, पराठे, 3-4 तरह की सब्जी, भैया गुड़ भी ले आए, और हम कई बार गए थे पोस्टले की सब्जी भी आई थी। चंदन भाई हेडफोन हेड नहीं रहे कान में से। तो इस प्रकार से आपको फिर खाना खाना है रात को 10-11 बजे, उसके बाद में आपको चादर कम्बल मिलेगी, बुका रखिए ऊपर रखिए, ऐसी चादर ट्रेन में मिलेंगी आपको, वो कम्बल मिलेगी, उसको ओढ़ के सो जाओ। तो जय श्री महाकाल, सुबह हो चुकी है, सबको एक बिस्कुट का पुड़ा हमने खिला दिया है, एक एक चाय के साथ में, और सब लोग उठ गए हैं, टाइम हो रहा है 8 बजे, नहीं रे हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही साहब, 8 बज चुके, चंदन भाई ने उठ का थूक दिया है, और हम 9 बजे रोहतक पहुंच जाएंगे। तो 6:30 बजे हम ट्रेन में बैठे हैं, सुबह को 9 बजे हम रोहतक उतर जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ट्रेन का सफ़र आपका इतना ही रहेगा रोहतक पहुंचने के लिए। उसके बाद में अपने भाई ने मोबाइल चार्ज कर लिए हैं, चार्जर की व्यवस्था है लगाने की, केदार सिंह दिनदर के गेट पर बैठे हैं, और वहाँ पहुँचते ही हम आपको पूरी डिटेल देंगे। जय श्री महाकाल। मेरा चेहरा ले लूँ? ये भाई सब भी मिल रहा है, इनसे बहुत बात करी हमने। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सचदेवा डेयरी फार्म, जिनके पास टेंडर है डेयरी प्लस वालों का, वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या व्यवस्था है क्या भैंसे, मैं आपको बताता हूँ। ये ओम प्रकाश भैया पहले फैन खड़े हुए, और पेट भी फूल इनका, मतलब खाना पीना टन टन मिल रही है टन टन है। खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी तो हो गई, ये दो ही पूरी। अच्छा,
हाँ इनने भले दो ही पूरी पढ़ ली पर इनकी जो व्यवस्था है इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? मतलब ये भैया कह रहे दिक्कत है, चना की दाल दे रही है उनसे बोलो आप, अगर बोला और जो नहीं ला के दिया तो बात अलग है। हमने नहीं बोली लेकिन दिक्कत तुअर की दाल हो ही नहीं। हाँ तो उनने यहाँ जो व्यवस्था कर रखी चंदन भाई क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, चना की दाल ज्यादा खवा रही है चना की दाल। तो कुछ लोगों ने भैंस पसंद कर ली और कुछ रह गए हैं और ये इनका डेयरी फार्म है। यहाँ पे क्या व्यवस्था करके रखी इनने, यहाँ पे कुछ भैंसे वो ला भी रहे हैं जिनका सौदा हो गया वो यहाँ पे बांध लिए, और एक रूम ऊपर है यहाँ रुकने के लिए और एक रूम यहाँ, यहाँ कूलर मूलर लगी है। ये भाई सो रहे हैं, ये रुकने की व्यवस्था है, यहाँ मिल्किंग करना है और गाँव गाँव भी ले जाके भैंस बता रहे हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा। वो कुछ भैंस जो खरीदी है वो उनने यहाँ ला के बांध ली है। जो बाहर से भैंस आई खरीदी उनको यहाँ ला के बांध ली है। ये लोग उन भी आए हैं, कम से कम तीन जगह से लोग आए हैं। कहाँ कहाँ है अपन? तुम्हारा गांव नहीं पतो? अच्छा मंडेली से। और ये भाई साहब आष्टा? आष्टा कौन सा गाँव? अन्य जागीर। अपन साई साथी ये आष्टा से आए हैं। और कहाँ से आया? सतपीपले गांव, सीहोर जिला। सीहोर जिला है, सीहोर जिला वाले टेंडर है। और सीहोर जिले से जो खड़े डॉक्टर साहब टीसी जागीर है नी? जांगीड़। डॉक्टर टीसी जांगीड़। हाँ तो ये कितने रोज हो गए डॉक्टर साहब आपको? पाँच छः रोज हो गए हैं लगभग। सभी को भैंस संतुष्टि पर दिलवा रहे हैं और यहीं पर रुके हुए हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं नितिन भैया, इनका डेयरी फार्म है और यहाँ के ओनर हैं सिक्का जी। सभी को भैंस दिलवाते हैं यहाँ पे, भैंस दिखाते हैं, दो टाइम मिल्किंग करवाते हैं। तो ये है नेम सिंह लसूड़िया परिहार से। नहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं दिक्कत नहीं। खाने पीने की रहने की? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो बता दो। नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैंस संतुष्टि पर दिलवाना दूध लगवा के। और ये नितिन भैया भी कुछ बोल दे तो अच्छा है वीडियो में। किसान लोग आ रहे हैं दूर दूर से आपके पास, हरियाणा की जो सपना चौधरी को जो लेके जा रहे हैं मध्य प्रदेश। नहीं जा नहीं रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो शूट हो रहा है। हाँ तो इसमें पूरी डिटेल लेते हैं भैया का इंट्रोडक्शन पूरा करवाएंगे। हाँ ये तिरंगा लगा रखा है उनका ऑफिस से और एसी लगवा लिया इस बार उनने। मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए। कैसी भैंस खरीद रहे हैं, क्या मिलती हो रही है, क्या प्राइस लग रही है, पूरी डिटेल आपको देंगे, बने रहे वीडियो पे। तो ये आ गए हम डेयरी विजिट करने के लिए, भैंस बताने के लिए। अब देखें कौन सी पसंद आ रही। चंदन भाई को ये भैंस पसंद आई है, इसको छुड़वा के देखते हैं। एक तो ये भैंस देख रहे हैं टूटे सिंह की सीताराम दादा, को 6:30 बजे करीब मिल्किंग कर रहे हैं हम भैंसों की। इसकी कीमत बता रहे हैं 2,00,000 रुपये, इसकी 1,70,000 रुपये इसकी मिल्किंग कर रहे हैं अभी चंदन भाई। तो
तो ये यहाँ का डेयरी फार्म का सुबह का माहौल है। यहाँ पे होता क्या है कि रात को भैंसों को बाहर बांध दिया जाता है और दिन में इनको अंदर बांध दिया जाता है। यहाँ पे और अपन लोग क्या करते हैं अपने इधर के दिन में पशुओं को बाहर बांधते हैं और रात को अंदर बांधते हैं, पर यहाँ पे रात को पशुओं को बाहर बांधते हैं और दिन में अंदर बांधते हैं क्योंकि टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी तो मौसम बारिश का है चक्कर में। तो यहाँ का एक तरीका सिस्टम होता है, जैसे पशुओं को यहाँ पे बंधे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, जब दूध लगाना है जब इस पशु को छोड़ के वहाँ पे ले जाएंगे, इसकी मिल्किंग करेंगे और वहाँ पे खाना खाएगा। ये वाली भैंस को ले जाएंगे वहाँ बांध देंगे, वहाँ पे दूध लगाएंगे और वहीं पे इसकी सानी मिल जाएगी। और ऐसी प्रक्रिया फिर उल्टी होती है रात को, जब ये वहाँ से पशु दिन भर बंधे रहेंगे तो यहाँ पे इनकी सानी मिला दी जाएगी गुआनों में और वहाँ पे छोड़ के ये पशु को यहाँ बांध दिया जाएगा और इसकी मिल्किंग कर ली जाएगी। फिर दूसरे पशु को लाएंगे, इसकी मिल्किंग कर ली जाएगी, फिर आखिरी में इनमें पानी भर दिया जाएगा। तो बने रहे वीडियो में, हमारे इधर कौन कौन सी भैंस ले रहे हैं वो सब बताऊंगा। जैसे हमारे मिंटू भाई ने एक भैंस ली है, मिंटू त्यागी लसूड़िया से, वो वाली भैंस दिखाता हूँ आपको मैं। और एक महेंद्र ने पल्ली से जो भैंस ली है वो वाली दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली भैंस हमारे मिंटू भाई लसूड़िया वालों ने ली है, वो बैठे हैं। ये वाला सिस्टम है इनका, शाम को सांधी खिलाने का, मतलब दिन में अभी आएगी तो भैंस यहाँ बन जाएगी और रात को भैंस वहाँ बन जाएगी। ये हमारी महेंद्र की भैंस है, महेंद्र पल्ली, और इस भैंस पे ये 12,000 रुपये ऊपर मांग रहे हैं, योजना है उसके ऊपर इनको 12,000 लेना जब भेज देंगे। और हमारा टारगेट है इसमें 5,000-6,000 रुपये दे के हम इसको ले लें। और मुझे तो भैंस पसंद ये भी थी बुरी, पर ये सेल के लिए नहीं है इनके फार्म में। तो बने रहे वीडियो में, बताऊंगा आपको अंत तक। खाना पीना सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, रुकने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भैंसें महंगी है, अपने मध्य प्रदेश की अपेक्षा यहाँ पे भैंस महंगी है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दूध का जो रेट है अपने यहाँ 60 रुपये लीटर है और यहाँ पे 90 रुपये लीटर है, 90-100 रुपये लीटर। तो आप समझ लो जो आपके यहाँ भैंस 60,000 की है वो यहाँ पे 90,000 की मिलेगी। पर फ़र्क क्या रहेगा कि जब आप दोनों जगह की भैंस की मिल्किंग करोगे तो ये अपने वाली भैंस 4 से 5 महीने दूध लगेगी और ये 7 से 8 महीने दूध लगेगी एक सार, बाकी कम हो जाती है भैंसे। तो इसलिए यहाँ की भैंस ज़्यादा पसंद करते हैं अपने इधर। और यहाँ पे अभी बारिश का मौसम हो गया है। ये हमारा रूम है और ये हमारे ओम प्रकाश भैया हैं जिनके कपड़े गीले हो गए हैं और भैंस एक पसंद नहीं कर रही है। चंदन भाई सो रहे हैं और सीताराम दादा उड़ के सोचा है क्योंकि रात भर के उज करें, रात भर को भैंस में लट दे रहे हैं। वो ये महेंद्र बाबू जिनकी भैंस दिखा के लाया हूँ मैं, और ये भी नहाए नहीं आए उस दिन के, बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ आने के बाद इतनी गर्मी में नहा नहीं रहे हैं। ये कुछ आइटम उन रखे हैं ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ना अलाउ कर सकते हैं, और ये वाला आइटम यहाँ पे सस्ता है ये सब बोल रहे हैं ये लोग हैं। हाँ बोतल सस्ती बता दी मैंने, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, पूरी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जो भैंस पसंद करी है ये वाली करी है, फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है, 9 लीटर दूध लग रही है, 3 टाइम से मिल्किंग कर रहा हूँ। तो सीताराम दादा के नाम से है, सीताराम की भैंस है। ये है प्रीतम सांकड़ा की भैंस,
और ये वाली है अरविंद की भैंस। जय श्री महाकाल सभी को, सभी लोगों की ताजी भैंस कम्प्लीट है। हमारा जो ग्रुप था 14 का, उसमें अब हम जा रहे हैं नितिन भैया के दूसरे फार्म पे, जहाँ पे है बाकड़ी भैंसे। नितिन भैया आपकी है कि बुलवाई है आपने? अब तो अपनी हो गई सारी। अच्छा, सब आपकी हो गई है। तो इनका जो दूसरा फार्म है, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की डिटेल बताऊंगा मैं, क्या पोजीशन है बाकड़ी भैंसों की, पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। बने रहे वीडियो पे। कैसी तरह अंदर भैंस लोग नितिन भैया के फार्म पे, जहाँ पे बाकड़ी भैंसे हमको दिखाएंगे। बोर्ड लगा हुआ है सद्यवा डेयरी फार्म, ये उनका दूसरा फार्म, यहाँ पे बाकड़ी भैंसों का कारोबार है उनका। करवाते हैं आपको इनका डेयरी फार्म, जहाँ बाखड़े पशु हैं। अगर हैं नितिन भाई के दूसरे फार्म पे, जहाँ बाखड़ी भैंस प्रेग्नेंट है, जहाँ पसंद करवाई जाती है। इस प्रकार से भैंसे बांध रखी, नंबर डाल के, और इस प्रकार से सब लोगों ने अपनी अपनी भैंस छांट के इतनी भैंसों में से बाहर बांध ली। कोई 7 महीने की प्रेगनेंट है, कोई 8 महीने की प्रेगनेंट है, 7 से कम कोई भी नहीं है। ये नितिन भाई का दूसरा डेयरी फार्म है, और जिन लोगों ने भैंस पसंद करी है, वो उन लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी बांध ली है। मतलब अपने ये वाली भैंस इन लोगों ने पसंद कर ली। हाँ वही, कहाँ की देखो यार, वो देख ली वो घुमड़ी वाली है नी, मैं थोड़ा सींग का नहीं खरोच हो। हाँ बस देख ली मैंने, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बात तो मैंने पसंद करवाई मेहनत से की थी बांधे। हाँ तो इस प्रकार से फार्म पे भैंसे पसंद कर लिए। ये है उनका दूसरा डेयरी फार्म, यहाँ पे भैंसों के तैरने के लिए तालाब बना रखा है, कुछ गायें भी बांध रखी है उन लोगों ने। सचदेवा डेयरी फार्म रोहतक हरियाणा। ये कुट्टी मशीन का सिस्टम है इनका, यहाँ पे पशु आहार तैयार होता है खुद का। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा कि क्या है क्या नहीं है, कौन ने कौन सी भैंस पसंद करी है। इतनी भैंसों में 12 लोगों ने भैंस पसंद करी है प्रेगनेंट। तो जय श्री महाकाल। अब यहाँ पे बाकड़ी भैंस पसंद करने के बाद में बाकड़ी भैंसों को चेक किया जा रहा है, कौन सी भैंस कितने महीने की है। कंफर्म होने के बाद में हमारा डॉक्टर और उनका डॉक्टर दोनों चेक करेंगे। ये भैंस पसंद की गई भैंसे हैं, और एक इनका डॉक्टर है विपिन भैया का, और एक डॉक्टर हमारी तरफ से है। वो दोनों हाथ डाल डाल के चेक करेंगे और कन्फर्म करेंगे कौन सी कितने महीने की है।
तो इसमें क्या है, दोनों तरह के डॉक्टर हैं हमारे साथ आए डॉक्टर साहब को, ये बैठे हैं और ये विपिन भैया के डॉक्टर साहब है, दोनों चेक कर रहे हैं कोई सी भैंस खाली तो नहीं है या कहीं मिस्टेक में चेक तो नहीं हो गई है। तो लगभग लगभग सभी 7 से 8 8+ महीने की प्रेगनेंट निकल रही है जिनको चेक कर रहे हैं, और जब तक पशुपालक संतुष्ट नहीं हो रहा तब तक इनको भैंस नहीं दी जा रही है। अभी 3 रोज हो चुके हैं, हमें अगर मान लो और भी ज़्यादा टाइम लगता है तो फुल संतुष्टि करेंगे सेठ जी भी। कहो कुछ। बस ये है कि यही क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर भी सेटिस्फाई रहे, माल भी अच्छा रहे, जिसको देख के लोग वापस आए। और सेठ जी ने एक गड़बड़ करी है कि इन लोगों ने भैंस पसंद कर लिया, इनको ठंडा पिला दिया और हम लोगों को भैंस पसंद नहीं आई तो हमें ठंडा नहीं कर देना बस। हाँ ये 12 नंबर भैंस चेक हो रही है, ये वो 10 नंबर थोड़ी है, ये कितनी है? हाँ ये जो वाली भैंस है 8 मंथ से ऊपर की है, तो भैया 8 महीना से ऊपर की है, ठीक है उसका टेक का चेक कर लो और फोटो ले लो आप। अब आ गई है दूसरी भैंस, वो है 7 नंबर भैंस, सॉरी अब उसको चेक किया जाएगा। और टेरिस देखो नितिन भैया ने बहुत शानदार तरीके से टेरिस बना रखा है, हमारे मध्य प्रदेश में तो ऐसा टेरिस होता नहीं है, कोई बनवाना चाहे तो ये वाला नक्शा देख के टेरिस बनवा सकता है, इसमें किसी को घी देना है, गुड़ देना है, कुछ भी देना है, भैंस को तो आराम से बांध के दे सकते हैं। डॉक्टर साहब द्वारा चेक की जा रही है, डॉक्टर साहब की एज बहुत है तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी होगा, हाँ क्योंकि जो चेक करने वाली प्रक्रिया होती है वो पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ होती है, तो डॉक्टर साहब की लगभग एज होगी जो 65 साल होगी। और दूध की तरह चमक रहा है एकदम गोरे गोरे, और ये हमारे डॉक्टर साहब 8+ है, ये 8+ विनोद, हाँ 8+ है ये, ठीक है ऊपर कीमत रहेगी। यहाँ भैंसे चेक हो रही है तो ये इनके डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है इनके डॉक्टर साहब का? डॉक्टर प्रेम कथोरिया, प्रेम कथोरिया वो भी चेक कर रहे हैं, और ये हमारे साथ हैं जागीर सर हमारे, जो भी चेक कर रहे हैं मतलब दोनों डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। अभी को वीडियो में डालो। हाँ और ये नारायण जी हैं, ये भैंस को चेक करवा रहे हैं, है ना? ये ओंधे हो गए हैं चेक करने में, पूरी ताकत लगी हुई है, सभी लोगों की निगाहें। कितने महीने की है? 8 के समथिंग है बराबर, ये वीडियो बनी है इसमें देखना चाहिए, अगर गड़बड़ हो गई ना तो राजे भाई के पास सबूत है। 100% तो कुछ होता भी नहीं है। हाँ मतलब 15 दिन का इनमें अंतराल चलता है, तो लगभग लगभग हो चुकी सबकी। वैसे हम नितिन भैया कुछ किसानों के लिए दो बात कहेंगे। बढ़िया भैंस लेके जा रहे हो भाई, कमाओ और फिर आओ भैंस लेके जाओ। बस इनका मानना है कि और भी आओ। मतलब और भी आओ तो हमारी भी सरकार से अपील है कि भैया सब्सिडी का पैसा बढ़ाओ, जो आप 50% दे रहे हो उसमें किसान सभी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे किसान तो ऐसे आए हैं जिनमें लोन लिया है, ब्याज से पैसा लिया है फिर आए हैं, तो इसमें अगर 50% की जगह 60-70-75% कर दे तो हम भैंस ले लेंगे जुगाड़ तुगाड़ से लेने आए हैं, और इसमें भी अगर नितिन भैया ने गड़बड़ भेज दी ना तो हमारा तो बंटा ढाल हो जाएगा। हाँ हम मान रहे हैं आपने संतुष्टि करवा के भैंसे दिए, कब करीब करीब 3 से 4 टाइम मिल्किंग करवाई, उसके बाद भैंस को पास किया, उसके बाद सौदा कराया हमारा, और जो भैंसों का टाइम की मिल्किंग नहीं हुई उनसे बोल दिया कि आपका टिकट नहीं होगा, आप खुद मिल्किंग कीजिए उसके बाद जाइए, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तब तक आप नहीं जा पाओगे। यहाँ पे सभी लोग 17 लोगों में से 11 लोगों की भैंस चेक हो चुकी है, प्रेगनेंट पास हो चुकी है, बाकी 5 लोगों की भैंस पास नहीं हुई है। तो नारायण दादा भैंस तो सही है, तो नितिन भैया ने यहाँ पे इनके फार्म पे पहले इनका भैंस सेलिंग के साथ साथ दूध का भी काम था, दूध सेल करते थे, वो भी बॉटलों के अंदर पैक करके ये बना रखा है, ये दूध रखा है इसके अंदर रखा है इनका, और ये बॉटलों में पैक होके 90-100 रुपये लीटर इनका दूध अब बिकता है। अब रही बात मध्य प्रदेश और हरियाणा की, कि यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि भैंस महंगी है। अब भैंस महंगी होने की वजह मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में दूध है वो 60 रुपये लीटर है और यहाँ पे 90 रुपये लीटर, तो जहाँ पे हमारे इधर भैंस 60,000 की मिलती है वो यहाँ 90,000 की मिलती है, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ दूध की मार्केटिंग भी बहुत तेज़ है।
तो चले नितिन भैया, डन। ठीक है नारायण दादा, आओ मध्य प्रदेश, खिलाते हैं आपको खाना। हाँ रोज आना है, हम वहाँ पे टारगेट दे ही नहीं रहे मुख्यमंत्री जी, वो रोज आना है। बंद कर देंगे वहाँ से, फिर कहाँ से आओगे? कोई बात नहीं, हैदराबाद चले जाएंगे। हैदराबाद चले जाओगे और ऐसे नहीं आओगे, ऐसे हम जुड़ेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट से भी जुड़ोगे ना। हाँ मोस्ट वेलकम, सब लोग आओ, बिल्कुल अच्छी कीमत में दिलाएंगे आपको। इससे कम में पड़ेगी नहीं? इससे तो कम में पड़ेगी, ऐसा बोल दो कि इसमें ऊपर से नीचे तक जो चेन है सर्कुलर है वो सिस्टम पे चलता है। कुछ नहीं है, तो यहाँ फार्म से हम भैंस खरीद के और अब चल दिए हैं फिर से वही फार्म पे। कौन कौन ने भैंस पसंद करी, कौन कौन ने नहीं करी, वो आपको बता दूंगा मैं। तो जय श्री महाकाल, ये है शाम के टाइम यहाँ की डेयरी का नज़ारा, सभी भैंसे अंदर है और सुबह के टाइम शाम के टाइम अब दूध मिल्किंग होगी, इनने पहले ही सानी बना दिया। दाने में क्या दे रहे हैं? क्या है? चना चूरी और कपास है ना, और सरसों की खल पर भैंस को 100 ग्राम के करीब। और बिहारी बाबू ने इस प्रकार से सानी बना दी है, अब यहाँ पे शाम को भैंस लगेगी और मिल्किंग होगी। तो जय श्री महाकाल, आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट है और चौथा दिन चालू है, और हमारी सभी लोगों की ताजी भैंस कंप्लीट हो गई है। सबकी जो हम 16 लोग थे, 16 भैंसे कंप्लीट है, 16 लोगों में से 11 लोगों की बाकड़ी भैंस जो प्रेग्नेंट भैंस है वो भी कंप्लीट हो गई है, और हमें आज चौथा दिन होने वाला है। और हमें जो भैंसें जो दिखाई थी वो थोड़ी समझ में नहीं आई, कुछ लोगों ने छाट ली, कुछ ऐसी थी छोटी छोटी भैंसें। हम डबल से आज प्रेग्नेंट भैंसें देखने जाएंगे, तो बने रहे वीडियो पर, आप मैं बताऊँगा कि हमें प्रेग्नेंट भैंसें कैसी दिखाई जा रही हैं। उसके बाद में हमने जो भैंसें खरीदी उसमें से जो 10 लीटर से ऊपर वाली भैंस है उसमें अतिरिक्त पैसा भी दिया है। अगर कोई भी बड़ी भैंस लेना चाह रहा है इस योजना में, तो आपको मैं बता दूं कि आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। कोई सी भैंस पे 10,000, कोई सी 20,000, यहाँ तक कि हमने 50 से 60,000 रुपये तक इन्वेस्ट किए हैं अच्छी भैंसें खरीदने में। तो अभी हम रुके यहाँ पर धर्मशाला में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सीवर थे और आष्टा से ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, मिनिमम 50 से 60 लोग आ गए थे लेने के लिए, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने फिर नितिन भैया से बोल के और अलग रूम बुक करवाया है, एसी रूम में रुक रहा है। अगर कोई को भी ज़्यादा गर्मी परेशानी आए तो उनसे बोल के आप अलग रूम बुक करके अलग रूम में रह सकते हो। बने रहे वीडियो में, पूरी जानकारी देता रहूँगा, तब तक जय श्री महाकाल। अब हमने जो ताज़ी भैंस खरीदी वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाली भैंस जो है सीताराम दादा ने बापचा से, और ये वाली भी भैंस बीज वाली, ये फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है, 4 रात पड़ेगा, ये मेरी है। और ये वाली भैंस वो है अरबी की, इसमें 60,000 रुपये ऊपर दिए हैं, इसमें 54,000 रुपये ऊपर दिए हैं, इसमें 40,000 रुपये ऊपर दिए हैं। तो जो लोग आना चाह रहे हैं इस योग स्कीम के तहत, वो ये समझ लिया अगर अच्छी भैंस खरीदोगे आपको तो पेमेंट देना पड़ेगा, और बाकड़ी में भी देना पड़ेगा। हाँ, और बाकड़ी में भी अगर आप अच्छी बड़ी भैंस लेते हो और 8 महीने के करीब प्रेगनेंट लेते हो तो आपको पेमेंट उसमें देना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि उतने पैसे में हमारा काम हो जाएगा। बिहारी बाबू कितना दूध है इसके अंदर? 8 किलो। और इसके अंदर? 9 किलो। इसके अंदर 20 किलो। 20 किलो। हम इनकी 4 टाइम मिल्किंग कर चुके हैं, जो दूध बता रहे हैं ये वाली मिल्किंग हम खुद कर चुके हैं यहाँ पर। तो बने रहे वीडियो पर, अब बाकड़ी में आपको बताऊँगा किस प्रकार बाकड़ी मिलेगी और कैसे कितना पेमेंट दे रहे हैं। अब समझ लो आप इसमें 60,000 रुपये ऊपर दिए हैं, इसमें 54,000 ऊपर दिए और इसमें 40,000 रुपये ऊपर दिए हैं, तो कितने रुपए की भैंस पड़ रही है आप खुद अनुमान लगा लेना। तो सभी लोग पूछते हैं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ खाना पीना का खाएंगे, कैसे खाएंगे? तो यहाँ पे 200 फीट दूरी पे ये होटल है, कालूदा शुद्ध वैष्णो ढाबा है, यहाँ पे इनने टेंडर रखा है, खाना पीना चाय नाश्ता इन पे ही होता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म गर्म रोटी भाई साहब खिलाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन रहता है। और इनको पता है कि मध्य प्रदेश के लोग आएंगे तो इनको कैसा खाना खिलाना है, तो खाना भी काफ़ी अच्छे तरीके से खिला रहे हैं, जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा खाना खिला रहे हैं। तो सभी को टेंशन होती है कि वहाँ जाएंगे तो कैसा खाना मिलेगा, कैसा पीना मिलेगा। तो खाना पीना आप देख सकते हो, दाल चावल दही रोटी जो आप मांगोगे वो आपको तैयार करके देंगे। सुबह का नाश्ता मिलेगा, 3 टाइम चाय मिलेगी, वो 2 टाइम खाना मिलेगा। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ पे इनका टेंडर है खाने का। अगर आप चाहते हो कि हमें और भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना तो वहाँ भी भेज सकते हैं, पर यहाँ बेस्ट है। तो बने रहे वीडियो पे, मैं आगे और आपको जानकारी देता रहूँगा। ये भाई देखो बहुत मोटे थे, दुबले हो गए यहाँ पे आके।
ये है आस्था से, आस्था से नहीं तुम कसो कहीं खानो पीनो यहाँ को अच्छो 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 है नहीं हाँ, मतलब हमारी तो पहचान भी नहीं, पर मैंने इनसे पूछ लिया, इनने बताया इस प्रकार से खाना पीना है यहाँ का। हमारे तीसरे रोज की तैयारी है और हम डेयरी फार्म पे हैं। बाकरी भेड़ जो हमारी 6 बच्ची उनको सेलेक्ट करने जाएंगे, ऑटो आ चुका है, कुछ कार से भी जाएंगे। आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पे हरियाणा में जो दूध का रेट है वो क्या रहता है, यहाँ पे ये ताज़ा दूध बिकता है। ऐसा दूध का रेट क्या है यहाँ कि भाई 80-90 रुपये लीटर यहाँ दूध का रेट है। तो आप समझ लो कि यहाँ भैंस महंगी होने का कारण ये है कि आपके यहाँ 60 रुपये लीटर है और यहाँ पे 80-90 रुपये लीटर है। जो भैंस आपको 60,000 में मिल रही है, 90,000 मिलेगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ भैंस महंगी दे रहे हैं, वो वजह यही है कि यहाँ दूध का रेट, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो दूध से होता है, जो कमाई होती है, और कमाई अगर ज़्यादा है तो भैंस का रेट तो बढ़ेगा। तो बन रहे वीडियो पे, मैं वीडियो आपको सारी डिटेल में देता रहूँगा। अभी और भी कुछ कस्टमर आए हैं इछावर तरफ से, और हमारे नाक साहब भी काफ़ी परेशान हैं लगातार 4 दिन से दोपहर में हमारे साथ लगे हुए हैं भैंस पसंद करवाने में। उनकी हालत आप दे सकते हो, आज 10 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बोल रहे थे क्या नौकरी है यार हमारी, हम तो भैंस ही पसंद कर रहे हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद में हमें भैंस की पूछ उठा जाकर देखनी पड़ रही है। फिर से जाएंगे हम प्रेग्नेंट भैंसों को चेक करने के लिए। तो ये डॉक्टर साहब भी इछावर से हैं और कुछ किसान ही इछावर से आए हैं। कौन से गांव से आप भाई साहब? गाँव भी तो होगा, प्रॉपर इछावर से आए हुए हैं, नयापुरा। तो कुछ भैंसे भी आई नितिन भैया के डेयरी फार्म में, भी नई भी खरीद के लाए हैं, और अदर डेयरी फार्म पर वो आपको दिखाएंगे। तो बन रहे वीडियो में, पूरी डिटेल में आपको देता रहूँगा। ये नितिन भैया ने हमको ये भर दी सवारी गाड़ी में और हम चल दिए फिर से प्रेग्नेंट भैंस देखने के लिए। और डॉक्टर साहब ये लोग आएंगे कार से और हम जा रहे हैं ऑटो से। अब हम आ गए हैं, नितिन भैया ने भेजा है दूसरे फार्म पे बाकरी भैंस पसंद करने के लिए, और सभी लोग आ रहे हैं। 8-10 दूसरी बार हम आ गए हैं। अब पता नहीं यहाँ पिटवाएंगे या भेंट दिखाएंगे ये तो नहीं पता है, पर मुझे उनके कर्मचारियों के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी शायद कोड़े से पिटाई होगी। तो हम प्रवेश कर चुके हैं तीसरे फार्म पर, यहाँ पे झोटी झोटी बनती है फैलात पहाड़ी। भैंस किधर है? वो उधर पूरा झोटा और झोटी देखो, पहाड़े पहाड़े हैं इधर। और ये है भैंसें, ये भैंसें हैं, वो शानदार तरीके से K03 बहुत तरीके वाली भैंस। ये भैंस छाट ली मैंने। क्यों रे इसमें दूध है क्या? उनमें सिंग में तेल पालिश करके नया मोरा लगा कंप्लीट है। और पाड़े पाड़े हैं सब बताएंगे। तो यहाँ भैंस डबल से दिखाई गई, उसमें पसंद की मैंने ये वाली 3 नंबर, उसी तरह अंदाजा के लिए 4 नंबर। सभी लोगों ने पसंद कर ली, चंदन भाई ने ये वाली कर ली है, लंबी ऊँची अच्छी। और इनके फार्म पे नितिन भैया का तीसरा फार्म है, इसमें पाड़े पाड़े बंधे हुए देखो आप, पूरे पाड़े पाड़े हैं भैया। मैं तो पाड़ी पाड़ी कह रहा था, एक से एक ब्रीड में, एक से एक नस्ल में। भाई साहब ये फार्म आपका है क्या? ना भाई। फिर आप कौन? बाबूजी मैं ऑटो वाला हूँ। अरे हाँ यार, ये भाई साहब तो हमारे साथ आए थे। चलो चलो मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ। देखो पूरे पाड़े पाड़े हैं। तो ये नितिन भैया साथ में ब्रिड का भी काम कर रहे हैं, पाड़े बेच रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं रहा काम क्या क्या कर रहे हैं, और हमारी सरकार ने कितने बड़े आदमी को टेंडर दिया है। फिलहाल ऐसा कुछ लगा नहीं उनका कि फजदेवा डेयरी फार्म, ऐसा कुछ बोर्ड लगा नहीं है, तो मैं प्रॉपर नहीं कह सकता हूँ कि उन्हीं का फार्म है। ये जो प्रेग्नेंट भैंस लिए मैंने, उसको थन में दूध है। मैं पहुंचा था कि ये जनने वाली है। तो यहाँ पे पेटेगरी वाले बुल भी मान रखे हैं नितिन भैया ने, और ये भैंसें जो हमने पसंद की है वो वाली हैं, कोई सी 6 महीने कोई सी 5 महीने की। और ये नितिन भैया ने ऐसा बोला है सीक्रेट फार्म है, इसको यूट्यूब पे डालना नहीं, किसी को बताना नहीं, इसलिए हम किसी को बता नहीं रहे। ये सीक्रेट फार्म है नितिन भैया ना?
हाँ तो किसी को बताना नहीं है, तो इसलिए हम किसी को बता नहीं रहे इसको। अरे मैडम सीओर चलोगी पल्ली काल। यहाँ पे जो बच्चे 7 लोग थे, हमारी प्रेग्नेंट भैंस हो गई है और हम थोड़े होशियार बने थे कि हमें अच्छी भैंस चाहिए और बड़ी भैंस चाहिए, ज़्यादा बंदी की प्रेगनेंट चाहिए, पैसे देंगे। तो मैं बता दूँ कि इस भैंस में हमने 11,000 प्रेगनेंट में भी दिए हैं और प्रेगनेंट में देने के बाद में 7 महीने की गयाबंद कही गई और बाद में वो 5 से 6 महीने की निकली है। तो सेम है, 1-8 महीने का फ़र्क चलता है, पर जो वहाँ जो सिरू लाड में वो भैंस बता रहे हैं तो आप पसंद कर सकते हो। दोबारा ज़्यादा होशियारी बताओगे तो इस फार्म पर आए हैं हम और यहाँ पर हमें 7 से 8 महीने प्रेग्नेंट एक भी भैंस नहीं मिली है। वहाँ पे 8 महीने तक की प्रेग्नेंट थी और वो सेम कीमत में थी, यहाँ पे 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट मिली है और इसमें 10,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़े बड़ी भैंस के चक्कर में। तो बने रहे वीडियो में, आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। जय श्री माँ का। और अब हम चल दिए फिर से जितन भैया के डेयरी फार्म पर। जय श्री माँ काल। अब हम निकल लिए घर के लिए और दिल्ली से हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से। तो यहाँ की जो पूरी फिल्म है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे क्या हुआ है, सब मैंने वीडियो शूट की है, आपको जल्दी बताऊँगा। घर के लिए 3rd AC में उधर से आए थे और 3rd AC में इधर से हमारा टिकट है। तो जो भी आना चाह रहा है उनको कोई पैसा लगना नहीं है। खाना पीना सब इनकी तरफ से, पूरी डिटेल आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। वो नई दिल्ली से और हम यहाँ पर दूसरी ट्रेन से आ गए हैं दिल्ली। दिल्ली में आपको दिखा रहा हूँ मैं लाल किला, ये यहाँ का लाल किला है। हाँ, जो जो सफ़र होगा वो सब बताऊँगा। हम रोहतक से नई दिल्ली तक बिना टिकट के आए क्योंकि जल्दी ट्रेन थी, जल्दी ट्रेन में हम चढ़े थे और टीटी को हमने 1,000 रुपये दे दिए। जय श्री महाकाल। अब हम आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और यहाँ से अब हमारी है हम भोपाल के लिए ट्रेन। जय श्री महाकाल। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली से भोपाल के लिए। 3rd AC में टिकट है हमारा, हम दिल्ली से बैठे हैं। रोहतक से तो ट्रेन मिल नहीं रही थी। तो पूरा वीडियो पूरी डिटेल और जो भी कुछ कहना है वो गांव जाकर कहेंगे, अभी तो कुछ कहना नहीं है। फिलहाल सबका दिमाग ख़राब है, भाई साहब का जो टिकट है वो मोबाइल में लेके बैठे हैं, कोई टीटी आएगा तो फटाक से बता देंगे। क्योंकि एक बार हम बिना टिकट बैठ के आ गए हैं चलती ट्रेन में और वहाँ पर 500-500 रुपये हम दे चुके हैं। टीटी ने वहीं पकड़ लिया हमारा चेहरा देख के, क्योंकि चेहरे हमारे पूरे कंजर जैसे हैं, ये टिकट ले नहीं सकते हैं बंदे। उस हालत में हम आए थे तो टीटी ने हमको वहीं दर्दा पहुँचा और 500-500 रुपये हम पे जुर्माना ले लिया। और अब हम खाना वाना खा के दिल्ली से, नई दिल्ली पुरानी है, नई दिल्ली से अब हम बैठ गए हैं। कौन सी ट्रेन है ये? है ये रेल है, बस हमें नहीं पता इतना कौन सी है। ये रेल है, ये राजधानी है। 12:30 बजे को हमको पटक देगी भोपाल में, घर पहुंच के पूरी डिटेल हम आपको दे देंगे। ये चंदन भाई मेरा मन था कि 500 रुपये में और दूँ और इनका एक ब्लॉग जाऊँ तो मेरे मेरे ब्लॉग में मजा आ जाता। ठीक है तो मिलते हैं, बन रहे वीडियो पे। जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान में ट्रेन में बैठे और यहाँ हमारी चाय आई अलग तरीके से बनने वाली और जो भाई ने चाय की पत्ती खोल के डाल ली। चलो ये चाय की पत्ती कब डाली हम खोल के चालो को आते हैं। चलो तो भाई साहब लाके दो, भाई साहब चालनी लाके दो, चालनी लाके देनी पड़ेगी। चंदन भाई पी गया तो बिस्कुट भी दे गए हमारे और एक लड्डू थो जो भाई साहब को, ये बैठे हमारे साथ भोपाल जा रहे रोहतक का, इनको खा गए मैं। गिरगाय का चाय के दूध पिए के पिए। अरे दादा हूँ गिरगाय का कि नहीं पी रही हो, कहाँ से लगा। तो जय श्री महाकाल। अब हम आ चुके हैं भोपाल। शाम को 6 बजे हमारी दिल्ली पे ट्रेन चली थी और 12:30 बजे हमको यहाँ पे उतार दिया है, तो हम रात को 12:30 बजे भोपाल पहुँच गए। और भी कुछ जानकारी है जो बची हुई जो कह नहीं पाया हूँ वो आपको वीडियो के माध्यम से वीडियो।
महाकाल, आपने लगभग पूरी वीडियो देखी होगी। वीडियो मैंने बताया कि डेयरी प्लस योजना के तहत जो राज्य सरकार की योजना है उसमें किस प्रकार आपको हरियाणा जाना है, किस प्रकार घर लेके आना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये योजना केवल 3 जिलों में है, विदिशा, रायसेन और सीहोर। लगभग सीहोर के टारगेट खत्म हो गए, विदिशा रायसेन की अभी बाकी है। तो जो भी कोई अगर इस योजना का लाभ लेना चाह रहा है वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर 1.25 लाख की डीडी बनवाई है, इसमें 50% सब्सिडी है। और एसटीएससी वालों के लिए 75% है, जिसके टारगेट अभी बचे हुए हैं। और ये एक मुख्यमंत्री जी का पायलट प्रोजेक्ट है सीहोर, विदिशा और रायसेन में। अगर ये सक्सेस होता है तो इस योजना को वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर दोबारा से मुख्यमंत्री आते हैं तो इस योजना को लगभग सारे ज़िले में वो चालू करेंगे। तो उन्होंने इस पर काम करके एक वो लिया है कि अपने मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में दूध का प्रोडक्शन कितना बढ़ता है। तो लगभग वहाँ पे हमारे सीहोर ज़िले से तो सभी किसान जा भी चुके हैं, भैंस ला भी चुके हैं बहुत सारे किसान। और कई किसानों ने ये भी बोला है कि इसमें बहुत सारा भ्रांति हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे जब हम रोहतक गए, मैं दो बार गया हूँ रोहतक में, भैंस भी आपके सामने खड़ी है लेके आए हुए। इसकी मैंने 19 लीटर मिल्क दी, फर्स्ट टाइमर भैंस है वहाँ पे मेरे हाथ से। चार टाइम देने के बाद में उन्होंने मुझे भैंस दिए। हाँ, उनने ये बोला है कि अगर आप बराबर में 1,25,000 में आप नॉर्मल भेज लेते हो तो मैं आपको 10 लीटर 11 लीटर मिल्क करवा के भेज देता हूँ, और एक बाकड़ी भेज 5-6 महीने से प्लस की मैं बाकड़ी भेज देता हूँ जिसमें कोई पैसा नहीं रहेगा। पर मुझे चाहिए थी 15 प्लस की भैंस, तो मैंने अतिरिक्त उसमें पैसा दिया। तो जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ पर भैंस भी बड़ी रहेगी। मैं बता दूँ, जैसे कि मेरी भैंस है, ये फर्स्ट टाइमर भैंस है जिसके पास अभी तो नहीं, वहाँ पर 19 लीटर मिल्किंग की है मैंने, यहाँ पर मेरे पास लग रही है 16 लीटर के करीब। तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा जैसा लोग बता रहे हैं। और वहाँ यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हमारे साथ गए थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, जहाँ पे उनने जैसे मेरी भैंस पे उनने 60,000 रुपये ऊपर लेने का बोला था कि इसकी प्राइस ही माल, ऐसा नहीं कि वो लेके गए और थमा दिया कि फार्म इसमें से छाट लो। उन लोगों ने हमें खुला छोड़ दिया था कि आप भैंस पसंद कर लो, जहाँ आपको पसंद आ रही कीमत कर लो, सौदा कर लो, ऊपर जो पेमेंट जाता है वो आपको देना है। तो रोहतक में तो ऐसा कहीं से कहीं तक हुआ नहीं है। और बाखड़ी भैंस में आपको बता दूँ किस प्रकार की है, आप बाकड़ी भी देखोगे तो मैंने उस भैंस में 40,000 रुपये ऊपर दिया है। बाकड़ी भैंस भी मैंने ये पसंद, मतलब वो जो हमें दे रहे थे वो नॉर्मल सी इस टाइप की भैंस दे रहे थे जो 8 मंथ तक की प्रेगनेंट थी, उसमें पैसा नहीं ले रहे थे, 7 से 8 मंथ में पैसा नहीं ले रहे थे। और जो 6 मंथ की 5 मंथ की प्रेगनेंट थी निकली, कोई ने पसंद की, उसमें उन्होंने 5 से 10,000 रुपये जो रोहतक डेयरी फार्म है नितिन भाई का, उनने वापस भी दिए मेरे सामने किसान को कि आपको 5 मंथ की 6 मंथ की ये पसंद आ रही तो इसमें 1 से 2 मंथ पालने का पैसा भी मैं आपको दूंगा। तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखो अभी बात ही लेके आया मैं, ये वाली फेल है आप देख सकते हो। तो इससे पहले जब मैं गया था इसमें कोई पैसा नहीं लगा, 8 मंथ से ऊपर की प्रेगनेंट में भेज दी मेरे को, अभी 1 महीना हुआ लगभग 9 मंथ की प्रेगनेंट है, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगा। तो जहाँ तक मुझे मनसा करनाल का तो नहीं पता है, पर मुझे रोहतक का पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ हमने अतिरिक्त पैसा दिया है अगर भैंस में, तो वहाँ भैंस की क्वालिटी 18 लीटर 20 लीटर दूध हमने अपने हाथों से लगाया, उसके बाद में सौदा किया है। अब रही बात डॉक्टरों की, तो हमारे साथ जो यहाँ से टीम गई थी, जैसे हमारे जागीर जी गए थे, मैंने वीडियो में बताया है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा भैंस पसंद करवाने में, चेक करवाने में। उनने बोला अगर आपको एक नुक भी परेशानी आती है, आपको भैंस में जरा सा भी दिक्कत लगता है तो आप भैंस को रिजेक्ट कर दीजिए, ये भैंस दूसरे दिखाएंगे। आपको 3 दिन या अगर 5 दिन भी रुकना पड़े तो आप रुकिए और आराम से भैंस पसंद कीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप पूरी देखते आए होंगे, आपको वीडियो समझ में भी आई होगी, क्योंकि मेरे साथ राज भाई तो गए थे नहीं कि वो शूट कर ले, मैंने दूसरे कैमरे से शूट कर करके धीरे धीरे आपको समझाया है। और यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप सभी लोगों की कमेंट आती है कि यूट्यूब पर वीडियो डालो डेयरी प्लस में कैसे भैंस मिल रही है, तो डेयरी प्लस में इस प्रकार भैंस मिल रही है। कोई किसान विदिशा रायसेन से तो अभी फार्म डाल सकता है, उसको अभी भी उसमें टारगेट है, वो जा सकता है। बाकी लगभग सीहोर के टारगेट पूरे हो चुके हैं, तो सीहोर के टारगेट में अभी जगह नहीं है, अगर कहीं ऊपर से टारगेट बढ़ते हैं तो सीहोर के किसान पशुपालक वहाँ जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री महाकाल।